70 रुपए से गिरकर 2 रुपए। डेट फ्री कंपनी प्लस 64% शेयर्स आर विथ प्रोमोटर्स। जी हाँ दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ये कंपनी बैलेंस शीट पैरामीटर्स के हिसाब से काफ़ी रीजनेबल कंपनी है। मैं स्ट्रांग कंपनी तो डेफिनेटली नहीं कहूँगा, रीजनेबल कंपनी है। डेट नहीं है, तो जो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि कहीं प्रोमोटर्स, क्योंकि बहुत सारी छोटी कंपनीज के प्रोमोटर्स ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, रिलायबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर डेट नहीं है बैलेंस शीट में, तो कम से कम एक जो बड़ा ड्रॉबैक होता है कि यहाँ पे डेट की वजह से कहीं कंपनी बैठ जाएगी, वो ड्रॉबैक तो इस कंपनी में नहीं है। और ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो है डाइज से रिलेटेड, डाई इंटरमीडिएट्स। तो जब मार्केट में बुल रन आता है डाई डाई से रिलेटेड प्रोडक्ट का, तब इस कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं और उसके बाद से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है और तभी शेयर होल्डर्स को खूब रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये साइक्लिकल सेक्टर है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो आज इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। स्मार्ट नेशन, लेट अस बिगिन इन्वेस्टिंग मेड सिंपल विद सीए पुनीत जाजू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये कंपनी छोटी है, 60 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, करंट स्टॉक प्राइस है 6 रुपए का। और इस कंपनी का जो मैं आपको प्राइस चार्ट दिखाता हूँ, ये देखिए आपके सामने 70 रुपये 15 पैसे, ये इस कंपनी का जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस पीक हुआ था। और जब मार्केट में यहाँ पे डिमांड होती है डाइज एंड डाई इंटरमीडिएट्स की, तब जैसा कि मैंने बताया, कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा मिलता है कंपनी को और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे वो पीक टच करने के बाद वहाँ पे डाई का जो मार्केट है थोड़ा सा वीक होने लगा है, और उसके बाद से यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस ही देखिए 2 रुपये तक नीचे गिर चुका है। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे रिवर्सल आएगा जैसे जैसे मार्केट इंप्रूव हो रहा है, और करंट स्टॉक प्राइस जैसा कि आपने देखा अराउंड 6 रुपये का है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पे 64%, और शेयर जो है कोई भी प्लेज नहीं है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट है। और डेट जीरो है कंपनी के पास, कंप्लीटली जीरो डेट फ्री कंपनी है। और जो 3 साल पहले डेट था वो भी कंपनी ने अब रीपे कर दिया है। सितंबर 2020 की बैलेंस शीट में ये जो 13 लाख रुपए का डेट है ये भी नहीं है। तो कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। और देखिए पिछले 10 सालों में जो सेल्स ग्रोथ है वो है 25% का हर साल, तो काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। और रिटर्न रेशोज देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17% के, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 14%। और शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दिए हैं कंपनी ने, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। किसी ने अगर 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो पीक टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी पे तो रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन किसी ने, क्योंकि 70 रुपये से पहले इस कंपनी का स्टॉक प्राइस था 1 रुपये से भी कम, तो तब अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था तो उसको मिले हैं 54% के रिटर्न्स हर साल यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट बजाज फाइनेंस के बराबर पे ये पहुँच जाती है कंपनी रिटर्न्स के मामले में। हालांकि साइक्लिकल कंपनी है तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो आप ध्यान में रखिएगा। और इस कंपनी का नाम है केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। देखिए ये जो प्रोमोटर हैं इसके, वो हैं दिनेश शर्मा यहाँ पे। और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनमें कंपनी बनाती है पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? पिगमेंट्स होते हैं केमिकल कंपाउंड्स, वो रिफ्लेक्ट करते हैं सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट, जिससे हमें कलर देखने को मिलता है। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज में उन्होंने बताया है, बेसिकली ये डाइज एंड पिगमेंट्स बनाती है और दिस मेक्स देम अपेयर कलरफुल। और यहाँ पे द मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द एबिलिटी ऑफ पिगमेंट्स टू अब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ्स। तो जी हाँ दोस्तों, साइंटिफिक लैंग्वेज में तो वेवलेंथ्स वो अब्जॉर्ब करते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उससे कलर का इफेक्ट आता है। तो यही वो कंपनी बनाती है पिगमेंट्स। तो नंबर वन सेगमेंट है पिगमेंट्स और नंबर टू है नेप्थलीन इंटरमीडिएट्स। तो पिगमेंट्स में कंपनी बनाती है सीपीसी क्रूड ब्लू, ये देखिए आपके सामने ये कंपनी का प्रोडक्ट है सीपीसी क्रूड ब्लू। और ये है सल्फोनेटेड नेप्थलीन, ये सेकेंड प्रोडक्ट है कंपनी का। तो कंपनी इन दोनों सेगमेंट्स में ही है, पिगमेंट्स में और नेप्थलीन इंटरमीडिएट्स में। और ये है कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, उसकी कुछ पिक्चर्स हैं आपके सामने यहाँ पे। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये क्रिसिल की रिपोर्ट है जहाँ पे रेटिंग दी गई है B+, और साथ में बताया गया है कि इश्यूअर कोऑपरेट नहीं कर रहा है क्रिसिल के साथ। तो क्रिसिल के साथ कोऑपरेट करे या नहीं करे, लेकिन कंपनी के पास लोन नहीं है, तो कंपनी को रेटिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी को कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर
एक बड़ी रेप्यूटेड कंपनी जैसे कि क्रिसिल के साथ अगर वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो रही है तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होना जरूरी है, तभी इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आता है किसी कंपनी पे। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि कंपनी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि कंपनी ने बैंक से लोन नहीं लिया है, और क्योंकि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है तो शायद वहाँ पे कोई इस तरीके का जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है वो भी नहीं होगा कि वो कोऑपरेट कर सके रेटिंग एजेंसीज के साथ टू शेयर द इंफॉर्मेशन, ताकि इन्वेस्टर्स को थर्ड पार्टी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिल सके। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट है, उसे आप नोट कर लीजिए प्लीज़। और ये देखिए जो लेटेस्ट ट्रेडिंग हुई थी, यहाँ पे 2% की गिरावट है यहाँ पे शेयर प्राइस की, वो आपके सामने है। और शेयर होल्डिंग रजिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया 64% प्रमोटर्स के पास है, 0.1% यहाँ पे FII की होल्डिंग भी है ये देखिए यहाँ पे, और 36% यहाँ पे है पब्लिक के पास। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिटर्न्स तो कंपनी ने 10 साल में अच्छे दिए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी के रिटर्न्स नेगेटिव हैं, 50% हर साल नेगेटिव। तो वो अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं 54.5% के। कंपनी के जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं वो अभी दिसंबर के तो रिलीज़ नहीं किए हैं, लेकिन सितंबर क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स थी वो 25 करोड़ रुपए की सेल्स है। तो यहाँ पे लॉकडाउन को देखते हुए कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने इम्प्रूव किया है 6.76%, और कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं रही है लेकिन कंपनी फिर भी प्रॉफिटेबल रही है। तो ये काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट है फॉर दिस स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी। और अगर आप इसकी हिस्टोरिकल सेल्स परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये देखिए 19 करोड़ से बढ़कर इस कंपनी की सेल्स मार्च 2020 में पहुंच चुकी थी 130 करोड़ रुपए। तो कंपनी की सेल्स 10 टाइम्स हो गई है पिछले 10 सालों में, काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने। और ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी को जब अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं तो मार्जिन्स भी खूब रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे 100 ये यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं था मार्च 2012 में, और मार्च 2018 में कंपनी के पास था 22% का मार्जिन यहाँ पे। तो ये साइक्लिकल डेफिनेटली है ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है, तो वो जरा आप ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए 3 रुपये से भी ज़्यादा अर्निंग पर शेयर थी, आज जो इस शेयर का भाव ही 6 रुपये का है। तो उस हिसाब से आप देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस में यहाँ पे रिटर्न्स आपको किसी साल में काफ़ी अच्छे मिल भी सकते हैं इस स्टॉक में। और बैलेंस शीट पे एक नज़र डालें तो आपको जैसे मैंने बताया था कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पे देखिए जो कंपनी का डेट था 11 करोड़ रुपए मार्च 2010, उसको कंपनी हर साल कम किया है। कंपनी ने मार्च 2016 में था 9 करोड़ रुपये, मार्च 2018 में 0 हो गया था, उसके बाद कंपनी ने थोड़ा सा डेट लिया और अब सितंबर 2020 में कंप्लीटली 0 है, डेट फ्री कंपनी है। तो डेफिनेटली कंपनी ने अपनी बुक्स जो है बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग रखी है कंपनी ने अपनी। तो दोस्तों ये था एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स, और उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस बता दिया है। आप कोई भी डिसीजन लें तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लीजिए, मेरे कहने से नहीं प्लीज़। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप खुलवा सकते हैं अपस्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे आपको टाई अप मिलता है इंडसइंड बैंक के साथ, तो 3-in-1 अकाउंट मिलता है। उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, आपको एक तो आपका पैसा ब्रोकर के पास नहीं रहता है, वो रहता है इंडसइंड बैंक के पास, और उससे आपको एक तो सेफ्टी का फ़ायदा है, दूसरी बात है आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है उस पैसे में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है उस बैंक अकाउंट में। और दूसरी बात यह है कि ये कंपनी जो है फंड की गई है रतन टाटा द्वारा, रतन टाटा का इसमें इक्विटी स्टेक है, तो काफ़ी रिलायबल ब्रोकर है, लो कॉस्ट ब्रोकर है, फ्री डिलीवरी है फॉर दी लाइफ टाइम, और इंट्राडे पे भी बहुत ही कम चार्जेस हैं अपस्टॉक के। अकाउंट खोलने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप भी उसे क्लिक करके 7 मिनट में अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, सबके साथ शेयर करें व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक पे, और जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।